देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के किच्छा में पेट्रोल पंप में रुपये और गार्ड की बंदूक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में दरव रोड पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हुई इस घटना की जानकारी लूट के दौरान ही पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस देरी से पहुंची। मंगलवार रात हुई इस घटना में बदमाश पेट्रोल पंप के गार्ड से लाइसेंसी बंदूक और सेल्समैन से 1100 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना के कुछ देर बाद एएसपी देवेंद्र पिंचा और सीओ सुरजीत कुमार ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। देर रात एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बता दें कि दरोह रोड पर नगर के प्रमुख व्यवसायी हंसराज डुमरा का हर मिलाप ऑटो सर्विस के नाम से पेट्रोल पंप है। मंगलवार देर रात 9:30 बजे पंप का सेल्समैन भूपराम और सुरक्षा गार्ड मोहनलाल ड्यूटी पर थे। इस बीच चिनकी की ओर से आई बिना नंबर की नीले रंग की कार पंप पर आई और 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया। सेल्समैन ने तेल डाला तो कार से हाथों में तमंचे लहराते उतरे बदमाशों ने गार्ड मोहनलाल से बंदूक छीन ली। इस बीच अन्य बदमाशों ने सेल्समैन को कब्जे में ले लिया। गार्ड ने विरोध किया तो बदमाश बंदूक छीनकर फायरिंग करते हुए छिनकी की ओर फरार हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। किच्छा थाना क्षेत्र में दरव चौकी का मामला है। यहाँ पर दरव रोड पे एक पेट्रोल पंप हरमिलाप पेट्रोल पंप स्थित है। वहाँ पर कल रात्रि में लगभग 9:15 बजे के आसपास कुछ अज्ञात बदमाश वहाँ पर आ गए थे, जिनने वहाँ के जो गार्ड है उससे जो बंदूक है दोनाली बंदूक है वो उससे छीन ली, लूट ली, और साथ ही जो सेल्समैन उसे लगभग 1100 रुपये उससे छीन लिए थे। पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। उसमें टीमें गठित कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं। जल्दी उम्मीद करते हैं कि घटना खुलासा किया जाएगा।